वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपना पहला अंतरिम बजट जो है वो जारी किया है, उसके साथ में क्या कुछ खास जो अजमेर की जनता को मिला है या राजस्थान की जनता को सौगात मिली है, उसे जानने के लिए हमें अजमेर के अंदर मौजूद और जानेंगे लोगों से कि किस तरह से देखते हैं इस बजट को, आज बजट पेश किया गया है किस तरह से देखते हैं। देखिए, नई सरकार का ये बजट कई मायनों में अभूतपूर्व है कि जिस प्रकार से पिछली सरकार के समय पेपर लीक हो रहे थे और बेरोजगार दर दर भटक रहे थे, इस सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण घोषणा करी, 70,000 पदों को भर्ती की घोषणा करके युवाओं को एक बहुत बड़ा संबल दिया है, लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरी बात है कि जिस प्रकार से मातृवंदन योजना लागू की गई है, लाडो योजना 1 लाख रुपये की प्रत्येक जो बच्ची पैदा होगी उसके ऊपर है, और जो ERCP जो एक तरीके से भागीरथ प्रयास है सरकार के, वह धरातल पे आएगी, उसके लिए भी बजट बढ़ा के 45,000 करोड़ किया गया। और कई महीनों में सरकार ने बजट बढ़ा करके एक आम जनता को रिलीफ दिया है, करीब 73 लाख परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देके एक बहुत बड़ा रिलीफ मेरे हिसाब से दिया गया है महिलाओं को। युवा हमारे साथ में मौजूद हैं, किस तरह से देखते हैं जो नई भर्ती आई है? हाँ, ये 70,000 की वैकेंसी की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी है, और इसमें आगे SIT के पेपर लीक के बारे में SIT भी गठन की, वो भी सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है इसे SIT गठन करके, और अब हमें भी उम्मीद होगी कि ऐसे पेपर लीक वो नहीं हो। और ये विश्वकर्मा पेंशन योजना और आज आंगनबाड़ी के लिए भी और काफ़ी योजना निकाली, वो उम्मीद है कि ये जमीनी स्तर पे धरातल पे उतरे। क्या करते हैं आप? पटाई करते हैं। किस तरह से देखते हैं बेरोजगारों को रोजगार के अवसर? नहीं, अब थोड़ा अवसर धीरे धीरे मिल सकता है, अब 70,000 पदों पर भर्ती निकली है तो कुछ आस तो है, और नई सरकार आने के बाद ERC में हनुमान बेनीवाल का प्रयास था, उसके बाद धीरे धीरे सरकार ने प्रयास के बाद ERC लागू की है, बहुत बढ़िया खुशखबरी है, और जनता को धीरे धीरे फायदा भी मिल रहा है। बुजुर्गों को 50% पर जो यात्रा है वो दी जाएगी रोडवेज बसों के? निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, आज जो बजट पेश हुआ वो सर्व हिताय और सर्व सुखाय है, न सिर्फ बुजुर्गों की बात की गई है, युवाओं, महिलाओं, किसानों, दलितों, अल्पसंख्यकों, सभी की बात की गई, विशेषकर बुजुर्गों के लिए दो बड़ी घोषणाएं इस बजट के अंदर की गई है। एक तो बसों का किराया जो 30% रियायत मिलती थी उसको बढ़ा करके 50% किया गया है, और उनकी जो पेंशन थी उसको बढ़ा करके 2,000 रुपये मासिक कर दिया गया, जिसमें बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। युवाओं की बात करें तो आज 70,000 बेरोजगार युवाओं के सपनों को साकार करने का काम इस सरकार के इस बजट के अंदर किया गया है। महिलाओं की अगर बात करें तो जो लाडो योजना करी है, जिसके अंदर 1 लाख रुपए का बॉन्ड बच्चियों के जन्म के ऊपर खुलेगा। अगर किसानों की बात करें तो किसान पेंशन निधि के अंदर जो 6,000 रुपए मिला करते थे उसको बढ़ा करके 8,000 रुपए किए गए। 25,000 नए चीज़ों का सर्जन करने की बात की गई है। जो 300 यूनिट बिजली फ्री करने की सोलर प्लान के माध्यम से घोषणा की गई है। इस प्रकार की कई ऐसी घोषणाएं हैं जिसका लाभ सीधे आम आवाम को मिलने वाला है। और अगर मंदिरों की बात करें तो 300 करोड़ का स्पेशल बजट मंदिरों के विकास के लिए जो इसके अंदर गया, गोपालकों की चिंता करते हुए 1 लाख रुपए बिना किसी ब्याज के गोपालकों को मिलेगा। इस प्रकार से कहा जा सकता है ये बजट सर्व सुखाय सर्व होता है, और जो अग्रणी आपणों राजस्थान की जो परिकल्पना इस बजट की थी वो साकार करने वाला है। वैट कम होने की उम्मीद जताई जा रही थी लेकिन वैट कम नहीं हुआ, क्या मानते हैं जब पूर्ण बजट आएगा उसमें वैट की कमी होगी? देखिए, हमें ये मानना चलेगा ये सरकार का पहला और अंतरिम बजट था, अभी मार्च के अंदर जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट प्रदेशों को मिलेगा उसके बाद में राज्यों का पूर्ण बजट आने वाला है, और निश्चित रूप से मैं विश्वास के जा सकता हूं जो आने वाला पूर्ण बजट इस सरकार का आएगा वो निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी को सिद्ध करने वाला और सार्थक करने वाला होगा। और ये भजनलाल सरकार के आने के बाद में जिस प्रकार से सकारात्मक काम बहुत सारे हुए, चाहे SIT का गठन हो, चाहे हमारी गैस की रसोई की गैस का चूल्हा, हमारे 450 रुपये में गैस के सिलेंडर, इस प्रकार के अनेकों सकारात्मक काम बजट के अलावा भी जो जिस प्रकार से किए जा रहे उसका लाभ निश्चित रूप से आज राजस्थान के आम आवाम को मिलेगा। महिला वित्त मंत्री है दिया कुमारी, उन्होंने बजट जारी किया है, तो क्या लगता है कि किचन को भी ध्यान में रखा है? जी बिल्कुल, 450 रुपये में जो गैस का सिलेंडर देने की घोषणा की है राजस्थान सरकार की, इसके अलावा चीनी और गुड़ पर जो टैक्स कम हुआ है इससे महिलाओं की रसोई पर भी असर पड़ने वाला है, काफ़ी अच्छे उनको राहत मिलने वाली है। युवाओं के लिए भर्तियां निकली है, किसानों के लिए लोन और नल की सुविधा दी है, ERCP में पानी देने की बात की। हमारे अजमेर की बात करें तो मेन पानी का मुद्दा जो यहाँ चुनावी मुद्दा था, ERCP में 45,000 करोड़ का बजट देने की घोषणा की है, जिससे निश्चित रूप से पूरा अजमेर नहीं 13 जिलों को पानी मिलेगा। इस प्रकार अन्य कई घोषणाएं, गोपालपुर के लिए क्रेडिट कार्ड है, बिजली सस्ती होने की संभावना है, और भी कई इस तरह की जो घोषणाएं हैं, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला बजट है, और मैं मानूंगा ये बजट नहीं बल्कि एक नई विकास यात्रा है जो मोदी जी की गारंटी को मजबूती देगी।
क्या मानते हैं इस बजट को लेकर? बजट मतलब बजट तो अच्छा है, लेकिन हमें खेद भी है कि पेट्रोल डीजल की दरों में भी कमी करनी चाहिए थी, और ये 70,000 पदों की वैकेंसी पर हमें बहुत खुशी है कि हमें भी रोजगार मिल सकता है। और क्या उम्मीदें थी आपको जो पूरी नहीं? और तो यही थी, पेट्रोल डीजल और भी मतलब बजट भी अच्छा ही अच्छा है, और महंगाई से थोड़ी। क्या कहना चाहेंगे? और आज एक सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की, वो भी बहुत अच्छी है, गरीब परिवार को मिलेंगे। और SIT गठित की है सरकार ने, जो पहले पिछली सरकार के अंतिम दिनों भी SIT गठित हो चुकी थी, अब ये उम्मीद है, क्योंकि पिछली सरकार में भी उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उसके लिए पैदल मार्च भी निकाला था और SIT गठित, लेकिन अब इसे उम्मीद है SIT गठित ये धरातल उतरेगी और युवाओं के लिए पेपर लीक जैसे अहम मुद्दे पर ये निर्णय ले पाएगी। SIT को मजबूत किया जाएगा, पेपर लीक को रोका जाएगा। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से नई राज्य सरकार और केंद्र में भी जो सेशन चल रहा है, उसमें सरकार के द्वारा पूरे देश में किस प्रकार जो ये माफिया पनपा है इस पर रोक लगाई जाए और कठिन से कठिन सजा दिया, इसके लिए 1 करोड़ रुपए तक का भी फाइन का भी प्रावधान किया जा रहा है। और मेरा मानना है कि इससे युवाओं को और संबल मिलेगा और वो मजबूत होकर अपने पूरे तन मन से परीक्षा देंगे और सफल होंगे। क्या मानते हैं बजट जो आया है उसमें कितनी राहत मिली है, क्या कमी है? देखिए, सबसे पहले तो भाजपा सरकार के आने के बाद में जो लैंड माफिया और भू माफिया है, जो ये जो सरकार जिन पे कड़ी निगाह बनाए रखी है जिन्होंने, तो उनको निलंबित और स्थानांतरित करने का बहुत बड़ा फैसला, बहुत अच्छा फैसला लिया गया है, ताकि अपने स्टेट से जो अपना राज्य है उससे करप्शन दूर होए। और भी बहुत प्रयास कर रहे हैं इस बजट के आने के बाद में, बहुत किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है, जो जो मासिक पेंशन है वृद्धजनों की उनको इजाफा किया है, 2,000 रुपये तक का इजाफा किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें की है, जैसे 300 यूनिट बिजली देने की जो बजट के बाद में प्रयास कर रही है भाजपा सरकार, बहुत एक तरीके से अग्रसर है देश को बहुत अच्छा बेहतर बनाने के लिए। किस तरह से देखते हैं बजट? बिल्कुल, व्यापारियों के हिसाब से बजट बहुत अच्छा दिया भाजपा सरकार ने, ये लैंड टैक्स वगैरह हटाया है, बाकी गुड़ पे जो टैक्स वगैरह हटाया है उसके अनुसार बिल्कुल महंगाई बिल्कुल हटेगी और बिल्कुल बहुत अच्छा बजट कह सकते हैं अपन इसको। क्या मानते हैं कि पेट्रोल डीजल से वैट कम करना चाहिए था, जिससे कि चीज़ें कम हो सकती और महंगाई कम होती? नहीं, पेट्रोल डीजल को हम इतना अपन ध्यान नहीं देंगे, वैसे महंगाई कम करने के लिए जो गैस के लिए बताया इन्होंने, वो गैस के लिए भी बहुत अच्छी है, रसोई योजना वगैरह बहुत अच्छा बजट दिया है इन्होंने भाजपा सरकार ने, इसलिए व्यापारियों के लिए लोन वगैरह की सुविधा है और भी कुछ दिया है, बाकी टैक्स वगैरह हटाया है, तो बहुत अच्छे से। तो ये थी अजमेर की जनता जो कि जो भाजपा का अंतरिम बजट आया है उससे काफ़ी खुश है। कैमरामैन तरुण मावर के साथ चंद्रशेखर शर्मा, अजमेर।